को सुनना जो लोग नहीं आए थे, वीरवार की मीटिंग को सुनना वंडरफुल थी, वंडरफुल। तुम सुनते नहीं हो, सुनना। उसमें मैंने एक वचन दिया था, मैं आपको उस वचन से आपकी चंगाई और आपकी ब्लेसिंग को फिर से यीशु मसीह के नाम से देता हूं। भजन संहिता तुम बस सुनो और नोट कर लेना। ये भजन संहिता 50:23 में कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो प्रेरित जी, जिस सिस्टर का नाम सीमा है और जे मुदल कॉलोनी के रहने वाले हैं, और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि 3 महीने हो गए हैं जे सिस्टर के घुटनों और इनके पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, जिसके कारण इनको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जे बता रहे हैं कि जे अपने घर का काम भी नहीं कर सकते थे और बहुत ज़्यादा इनके पाँव में दर्द रहती थी, और जे बता रहे हैं कि जिसके कारण जिनके जो घर का काम था इनकी बेटी ही करती थी, और जो थोड़ा बहुत जो भी काम करते थे वो भी करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जिसके कारण जे बहुत परेशान हो चुके थे। और जे बता रहे हैं कि जैसे जे न्यू ईयर की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, तो उस दिन जे बता रहे हैं कि जे नीचे बैठ कर मीटिंग को जे वर्शिप में भी नीचे बैठे थे, तो इनका बहुत ही मान था कि जे खड़े होकर परमेश्वर की वर्शिप को महिमा करना चाहते थे, वर्शिप में खड़े होकर महिमा करना चाहते थे। और जे बता रहे कि इनसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण इन्होंने जे बहुत ज़्यादा रो पड़े। जे बता रहे कि इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर अभी तो मेरी इतनी एज भी नहीं हुई कि मैं जो मेरी इतनी दर्द है मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मैं तो आपकी महिमा को हर समय जब भी संडे की मीटिंग में आती हूँ, थर्सडे की मीटिंग में आती हूँ, तो मैं हर समय आपकी महिमा में खड़ी होकर पूरी रूह से भरकर करती हूँ, तो मेरा आज भी बहुत ही मन है, तो पर मुझसे खड़ा नहीं हो पा रही मैं, जिसके कारण जी बहुत ज़्यादा जी रो रहे थे। और जैसे इन्होंने प्रार्थना की, तो जो बता रहे हैं कि जब प्रभु के दास दुखियों बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा परफेटिक वर्ड्स आया कि 2023 के लिए भजन संहिता 50:23 वाला वचन, जब बता रहे जैसे प्रभु के दास के द्वारा इन्होंने सुना, तो उस समय इन्होंने रिसीव किया। पहले हम इस न्यू ईयर मीटिंग जी, न्यू ईयर की मीटिंग में है ना, 1 जनवरी। हाँ ठीक है, बताओ। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। को सुनना जो लोग नहीं आए थे, वीरवार की मीटिंग को सुनना वंडरफुल थी, वंडरफुल। तुम सुनते नहीं हो, सुनना। उसमें मैंने एक वचन दिया था, मैं आपको उस वचन से आपकी चंगाई और आपकी ब्लेसिंग को फिर से यीशु मसीह के नाम से देता हूं। भजन संहिता तुम बस सुनो और नोट कर लेना। ये भजन संहिता 50:23 में कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? सुनो फिर से, लिखा धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी क्या करता है? बोलो अपने पड़ोसी को, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और उसकी महिमा कर। बोलो बोलो बोलो। यहां पे लिखा, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, क्या रखता है? अपना चरित्र उत्तम रखता है, और उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। उद्धार का मतलब छुटकारा, ब्लेसिंग मैं दिखाऊंगा। जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वो दिखाएगा, पर धन्यवाद का जो बलिदान चढ़ाकर उसकी महिमा करता है। ऐसे जितने लोग अब धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, खुदावंद अपना किया हुआ उद्धार दिखाएगा आपको। मैंने कहा उद्धार तुम्हारे अंग मर चुके, मुड़ चुके हैं। मैं नहीं जानता डॉक्टरों ने क्या कहा है, जे सही होंगे कि नहीं होंगे, पर जिस खुदा ने मुझे और आपको चुना है वो कहता है मैं तुम्हारे पापों के लिए मर गया और जी उठाऊं, और मैं तुझे तेरे चंगाई के लिए, तेरी आशीष के लिए मैंने अपना जीवन दिया, मैंने कोड़ों की तन पर मार खाई है। उसका मरना, अगर हम हील ना होंगे, हमारे अंग नहीं ना होंगे, मेरे अंग मुड़ चुके बीमारी के कारण, मैं जब से पैदा हुआ मेरे अंग टेढ़े हैं, मैं पोलियो का रोगी हूं, मेरा बच्चा मत बुद्धि पैदा हुआ है, मेरा घर में, मेरी यूट्रस में प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम। तो जो सिस्टर बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया, और जो बता रहे कि इन्होंने एक हफ्ता रोज ही प्रार्थना की
और इनकी बेटी इस वचन को रोज ही पढ़ती थी, क्योंकि जे पढ़े नहीं है तो जे बता रहे कि इनकी बेटी उस वचन को रोज पढ़ती थी और उसके द्वारा जे धन्यवाद में बने रहे। तो जे बता रहे कि परमेश्वर ने एक हफ्ते में जो बहुत दर्द थी, बहुत ही स्वेलिंग थी, परमेश्वर ने इनको हील कर दिया, अच्छा कर दिया। पर जे अपनी टेस्टामनी तो एक हफ्ते बाद ही बताना चाहते थे, पर इनका एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण थोड़ी इनको चोट लगी और जे कुछ मीटिंग में नहीं थे पहुंच पाए, तो जिसके कारण इनकी टेस्टामनी कुछ लेट हो गई। पर जे बता रही कि परमेश्वर ने मुझे एक हफ्ते बाद ही पूरी तरह से जो 3 महीने की प्रॉब्लम थी, घुटनों में स्वेलिंग थी, पाँव में स्वेलिंग थी, चला नहीं जाता था, आज जे पूरी तरह से फ्री हो चुके। और इस गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। सुनो सुनो, ये गवाही इस तरीके की होगी जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, हीरो जब, अगर हीरो ने कोर्ट में जाना है तो रास्ते में जो विलन होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं कि ये गवाही ना देने, बोलो क्या है, होता है ना ऐसे, कुछ ऐसी फिल्मों में मैंने देखा है कि रास्ते में ही उसे पता चला है कि ये कोर्ट में जा रहा है उसके बचाव के लिए, हाँ, तो जो विलन होते हैं वो उसे रास्ते में क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। शैतान भी एक किस्म का विलन है। ये तो एक ही हफ्ते में क्या हो गए, हील हो गए। जब इन्होंने ये 2023 का जो प्रोफेटिक वर्ड है, बोलो क्या है, ये 2023 का जो प्रोफेटिक वर्ड है इन्होंने याद रखा। कितने लोग आज भी उस वचन को लेकर धन्यवाद करते हैं, यही चीज है। इसी लिखा, बुद्धिमान जो इंसान है इसने कहा वो मेरी बातें सुनता और मानता और पूरा करता है। इन्होंने याद रखा। ये आपको तकलीफ कितने समय से थी, थोड़ा माइक दो इन्हें, जय मसीह की। 3 महीने हो गए, 3 महीने हो। क्या क्या होता था, घुटनों में सोज और पैरों में भी आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता था, मतलब बहुत दर्द रहती थी। मेडिसिन भी खाई कि विश्वास रखा। वेरी गुड। पर आप तब तकलीफ में थे ना? हाँ जी, मैंने सारे अन्य टेस्ट करा ला, पर मैं क्या, मैं अब परमेश्वर मेरे ठीक कर। वेरी गुड। हाँ जी, मैं टेस्ट कराया। आपसे जब यहाँ पे आप वर्शिप में जब आते थे तो आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। हाँ जी। तो आप खड़ा होना चाहते थे? हाँ जी। देखो, जो चाहता है परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर, अगर आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपके घुटनों में, टांगों में, आपसे नीचे बैठा नहीं जाता, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता वर्शिप के टाइम, तो आप भी मांग सकते हो, आप भी उस वचन को याद कर सकते हो जैसे इन्होंने याद रखा उस वचन को। ये खुद तो नहीं पढ़े, पर उस वचन को पढ़कर इनकी बेटी, ये पढ़े तो नहीं है, तो इनकी बेटी उस वचन को पढ़ती थी और उस वचन से ये धन्यवाद देते थे कि यस परमेश्वर, तेरा वचन कहता है। धन्यवाद के बलिदान के साथ प्रभु की महिमा कर, अपने चरित्र को उत्तम रख, साफ रख, तो मैं अपना किया उद्धार दिखाऊंगा। उद्धार का मतलब क्या है, छुटकारा। परमेश्वर पक्षपात करता है कि इसको चंगा किया दूसरे को नहीं करेगा। अगर और किसी के घुटनों में, टांगों में प्रॉब्लम है उसके जीवन में नहीं करेगा, पर जो काम इसने किया, हमें जो और भी इस प्रॉब्लम के मरीज हैं तो उनको भी ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब तुम वचन की बात करते हो तो वचन कभी भी कैंसल नहीं होता। जब तुम वचन से कोई बात परमेश्वर से करते हो, धन्यवाद करते हो, तो वो कभी भी कैंसल नहीं होती, वो चीज होनी 100% उसमें 99% भी नहीं। जब तुम वचन को लेकर कोई बात करते हो परमेश्वर से तो होना ही होना। इसलिए इन्होंने किया और आज आपके सामने ही गवाही तो एक ही हफ्ते में देना चाहते थे। एक ही हफ्ते में प्रभु ने, जब इन्होंने वो प्रोफेटिक वर्ड 2023 इसी का ना 1 जनवरी का जब इन्होंने रिसीव किया और एक हफ्ता पूरा धन्यवाद देते रहे और एक हफ्ते बाद प्रभु ने चंगा कर दिया। क्या कर दिया?
एक ही हफ्ते में चंगा कर दिया, जैसे बाइबल कहती है चुने हुए के लिए देर नहीं करेंगे, पर किनके लिए? यीशु ने कहा जो रात दिन उसकी दोहाई देती, ये दोहाई दी, इन्होंने उस वचन से दोहाई दी कि परमेश्वर ये तेरे वचन में ऐसे लिखा, और खुदावन ने हील किया, चंगा किया, गवाही देने के लिए आना चाहते, पर शैतान ने वो वही विलन के जैसे हाँ प्रभु की महिमा करने से रोका, किसकी गवाही सुनेंगे तो और लोग क्या होंगे, क्योंकि जब हम गवाही सुनते हो तो दूसरों का विश्वास बढ़ता है, तो शैतान अपनी अपनी वो युक्ति से उस चीज को रोकना तो चाहता है, पर वो कर कुछ नहीं सकता जब हम मन के हमारा मन जब अटल रहता है, दृढ़ रहता है खुदा के साथ। तो हालात तो आया, एक्सीडेंट करा, शैतान ने अपनी युक्ति से करवाया कि ये महिमा ना कर पाए, अपना मन खराब करें, क्या करें, अपना मन खराब करें कि ये गवाही ना दे, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, विश्वास में बने रहे और आज आपके सामने हैं, भले चंगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी तो नहीं कुछ, आज सारी वर्शिप अपने खड़े होकर की, जितने भी टाइम वर्शिप आज खड़े होकर की, तारीफ कर दो खुदावन की, दोनों हाथों को उठाकर, मैं देनी है गवाही ओ दे नादी के यीशु मैनू चंगा करिया, मैं देनी है गवाही ओ दे नादी के यीशु मैनू चंगा करिया, करा दिल तो तारीफ ओ दे नादी, करा दिल तो तारीफ ओ दे नादी, करा दिल तो तारीफ ओ दे नादी, करा दिल तो तारीफ ओ दे नादी के यीशु मैनू चंगा करिया, मैं देनी है गवाही ओ दे नादी के यीशु मैनू चंगा करिया। आमीन। अगर आप भी किसी दुख परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमीन।